नमस्कार, मैं हूं समीर दीक्षित। 16 मई साल 2014 को इस देश की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, फैसला जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। और इस फैसले के बाद 2 साल का लगभग वक्त गुजर चुका है। ये 2 साल कैसे रहे? जो अच्छे दिन के सपने थे, क्या वाकई पूरे हुए? ये तमाम सवाल हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर महेश शर्मा। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके पास कल्चरल मिनिस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, लिहाजा आप उन मंत्रियों में से एक हैं जो मोदी जी के जो सपने थे उसको काफ़ी हद तक जिसको हकीकत में तब्दील करनी थी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये 2 साल जो वक्त गुजरा है, क्या वाकई बेमिसाल साल रहे हैं मोदी सरकार के? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला जिनकी सोच में हर वक्त राष्ट्र उत्थान, विकास, पारदर्शिता, सुशासन और ख़ास तौर पर समाज के गरीब वर्ग, किसान वर्ग, माताओं बहनों, जवान लोगों के लिए हर वक्त उनके दिल में एक सोच रहती है। अगर मैं गिनाने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा। ये बात दूसरी है कि जिन्हें दिखाई नहीं दिखाई देता वो अभी भी बार बार ये कहेंगे अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है और जितने काम इस 2 वर्षों के काल में हुए हैं, मेरी आयु भी 57 वर्ष हो गई है, आज़ादी की लड़ाई देखने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं समझता हूँ देश को एक दूसरी आज़ादी की तरफ ले जाने का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जितनी भी नीतियाँ लेकर आए या जो पॉलिसी जिसको आप कह रहे हैं, जो फैसले उन्होंने लिए हैं, सवाल अभी भी यही है कि वो ज़मीनी हकीकत में उस तरीके के उसके परिणाम निकल कर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप भले ही 10 अपने मिशन प्रोग्राम गिना दें और उन मिशन प्रोग्राम को जो सीधे तौर पर जनता को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, क्या उस तरीके का नज़र आता हुआ आपको लग रहा है? क्योंकि परसेप्शन जो है, जो लोगों की राय है, उस तरीके से बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है। देखिए, सरकार को वसीयत में एक जंग लगा हुआ भ्रष्ट ताक से पूरी तरह से जड़ा हुआ एक सिस्टम मिला था और 24 महीने का समय नहीं, हमें 60 महीने का समय देश की जनता ने दिया था कि 5 साल बाद ये सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड इस देश की जनता को देगी। उसमें भी 2 वर्षों के समय में जो काम हुए हैं, जो धरातल पर उतरे हैं और आम जनता के लिए हैं, इस देश की 70% जनता किसान है, किसानों के लिए, मैं उनमें से 2-4 आपको गिनाता हूँ कसर बानगी के रूप के अंदर। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अगर कामयाबी या सबसे बड़ी अगर अचीवमेंट या प्राप्ति अगर कहीं इस देश की सरकार की क्या रही है मोदी जी के नेतृत्व में, एक आम जनता का, युवा का, महिलाओं का विश्वास गवर्नेंस पे से, राजनीतिक लोगों में से, राजनीतिक व्यवस्थाओं से उठ चुका था। लोग समझते थे शायद ये राजनीति, ये शासन प्रशासन, ये सब भ्रष्टता के जाल में इस तरह से मुदा रचा है कि कोई भी काम देश के अंदर ऐसा नहीं हो रहा जिससे ये लगे कि देश आगे प्रगति पथ पर है। ऐसी एक भ्रांति बन चुकी थी। अखबार के पन्नों की शुरुआत सवेरे होती थी, कोयला घोटाले में 3 लाख करोड़ का घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाले में 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, ये मतलब लोगों का विश्वास ही खत्म हो चुका था। आज इस सरकार की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप से पूछें तो मैं कहना चाहूँगा कि जो विश्वास डगमगाया था इस जनता का, उस विश्वास को मोदी जी की सरकार ने वापस बटोरा है, संजोया है और देश के नहीं विश्व के सामने उसे प्रस्तुत किया है और विश्व ने उसको सराहा है। आप जिस भ्रांति की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़ों की जादूगरी में नहीं जानना चाहता हूं, मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि कितने क्या आंकड़े हैं, लेकिन किसानों की आत्महत्या हो गई या फिर खाद्यान्न में अनाज का सड़ना हो गया या फिर आप जो भी मसला उठा ले, जो भी मुद्दा उठा ले, परिस्थितियाँ नहीं बदल रही हैं। सवाल आपसे बार बार यही पूछा जाएगा कि आप नीतियाँ, फैसले, सारी बात ठीक है, तो उन आंकड़ों में वो सुधार क्यों नहीं नजर आता है? चलिए हम किसानों से ही शुरू कर लेते हैं। 70% इस देश की आबादी किसानी के रूप में अपनी जीवन यापन करती है और बहुत बड़ी चिंता का कारण होता था कि कहीं सूखा, आपदा, ओलावृष्टि से आए हजारों की संख्या के अंदर किसान आत्महत्या करते थे। आप बड़े कदम बता दीजिए। बहुत छोटे, वो 2-3, बहुत बाकी तो लंबी लिस्ट लंबी है। जो फसल बीमा योजना इस वक्त आई है, अनलिमिटेड अमाउंट का बीमा कराएं अपनी फसल के लिए, बीज बोने से लेके खलिहान में जब फसल पहुंच जाए उसके 15 दिन बाद तक भी उस फसल का बीमा मात्र 1.5% और 2% प्रीमियम, यानी 1 लाख का बीमा आपने कराया तो 1500 रुपये और 2000 का प्रीमियम। आपने बीज लगाया, बीज नहीं उगा,
बीमा की राशि। ओलावृष्टि हो गई, बारिश ज़्यादा पड़ गई, इससे पहले 50% अगर फसल बर्बाद हो तो मुआवजा मिलता था। सरकार ने कहा 30% अगर फसल भी बर्बाद हुई तो मुआवजा मिलेगा। अनाज पर दाग लग जाता था, मंडी में जाते थे किसान मंडी में जाते थे तो उन्हें उसका आधा चौथाई कीमत मिलती थी। उन्होंने कहा नहीं, किसान को जो भी मुआवजा राशि हमने तय करी है, दाना पर दाग लग गया ये किसान की गलती नहीं, उसे पूरी कीमत मिलेगी। आज किसान के लिए ई मंडी की व्यवस्था के माध्यम से पूरा देश उसके लिए मंडी है, वो अपने अनाज का भाव जहां उसे बेस्ट लगे वहां बेच सकता है। बात आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी कर लेता हूं, क्योंकि अगर आप आईने की बात करें तो मैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में और आपने आदर्श ग्राम योजना के तहत जिस गाँव को अपने गोद लिया उसका आईना क्या कहता है, कहाँ तक उसकी तस्वीर बदली है? देखिए, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका कर्ज मुझ पर है, लेकिन मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जितना काम कर दिया है मैं समझता हूँ, अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो बहुत खूब है। बिजली की बहुत भयंकर कमी है क्षेत्र के अंदर, 12,000 करोड़ की लागत से 1920 मेगावाट का पावर प्लांट उसकी शुरुआत हो चुकी है खुर्जा के अरनिया ब्लॉक में। 14 साल से हवाई अड्डे का विषय वहाँ पर लंबित था, 2002 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिस विषय को शुरू किया था, सरकारें आई चली गई, आज पहली बार सहमति बनी है कि NCR का बोझ कम करने के लिए वहाँ पर एक दूसरा हवाई अड्डा जेवर में बने। दोनों दिल्ली की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों सहमत है कि हवाई अड्डा बनना चाहिए, ज़रूरत भी है। 25 एकड़ जमीन पर ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर आज से 3 महीने पहले भूमि अधिग्रहित हुई है, भूमि हमारे रजिस्ट्री हो चुकी है संस्कृति मंत्रालय के बाद। एक भव्य सांस्कृतिक केंद्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र के अंदर बनने जा रहा है। 13 एकड़ भूमि पर नोएडा के अंदर पर्यटन मंत्रालय की दृष्टि से एक फूड क्राफ्ट कलिनरी इंस्टीट्यूट्स जिसे कहते हैं, पहली तिरुपति में बनी है, दूसरी नोएडा में बनी, देश की पहली इंस्टीट्यूट बनने का सौभाग्य नोएडा को प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर आपके काम से जनता भी खुश और आप भी खुद भी खुश। मैंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर डाल दिया है। अगर आप अक्षरधाम से शुरू हो तो दलित प्रेरणा स्थल, वहाँ का अम्यूजमेंट पार्क, बोटेनिकल गार्डन, नलगढ़ा का शहीद स्तंभ, वहाँ की Formula 1 रेस, वहाँ की नाइट सफारी, और उसके बाद मथुरा आगरा होते हुए एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट सर्किट पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा दिखेगा। जो आपका मंत्रालय है उसको लेकर सवाल कई हैं, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी सीधे तौर पे एविएशन से जुड़ा हुआ सवाल, एविएशन पॉलिसी या 520 नियम, अब तक 2 साल हो गए आप कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं, नाकामी है ये? देखिए, 2 साल नहीं, 8 महीने पहले इस विषय पर चर्चा हुई कि देश का सिविल एविएशन व्यापार 22% की दृष्टि से बढ़ रहा है, आज हम 9वें स्थान पर हैं विश्व में एविएशन की दृष्टि से, हमारा टारगेट है 3 सिरे नंबर पर आना और हम आकर दिखाएंगे। जो एविएशन पॉलिसी हम लाने जा रहे हैं, 520 का रूल की बात, 12 वर्षों से पेंडिंग था, कैबिनेट के सामने फाइल पहुंच चुकी है, पॉलिसी पहुंच चुकी है, नई पॉलिसी थी, कुछ नई व्यवस्थाएं उसमें ला रहे थे, जैसी बात थी, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के राय जानना, उनके चर्चा करना, विभिन्न मंत्रालयों के करना, उसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन अब जो ये पॉलिसी बनकर आएगी ये वास्तव में एक मील का पत्थर साबित होगी, एविएशन इंडस्ट्री में भारत को ये उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जो शायद विश्व में हमारी एक पहचान बनेगी। एयर इंडिया को लेकर अभी हमने भी उजागर किया किस तरीके का एक स्कैम सामने आया है, उसको लेकर आपके मंत्रालय ने कमेटी का गठन भी किया उसकी जाँच को लेकर। सीधा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि एयर इंडिया को जानबूझ कर घाटे में लाया गया था कुछ चुनिंदा लोगों को या फिर चुनिंदा एयरलाइंस को फायदे में पहुंचाने के लिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात सही है कि एयर इंडिया की व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं हैंडल किया गया, सच है, कहीं ना कहीं उसमें हमारी प्रशासनिक चूक रही, भ्रष्टाचार के आक्षेप अब निकल कर आ रहे हैं, इनकी वृहद जांच होनी चाहिए। हमें वसीयत में वो है एयर इंडिया मिली थी जो आज से 12-14 साल पहले प्रॉफिट में हुआ करती थी, अटल जी की सरकार थी, उसके बाद 12 वर्षों से वह लगातार घाटे में रही, 50,000 करोड़ के लोन्स और करीबन 40,000 करोड़ के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमें वसीयत में मिले हैं, उसके बावजूद भी हमने एयर इंडिया का ऑन टाइम परफॉर्मेंस सुधारा है, हमने पहली बार 12 वर्षों बाद एयर इंडिया ऑपरेशनल प्रॉफिट्स में है, ये मैं समझता हूँ इस सरकार का जो मैनेजमेंट सिस्टम है और सरकार की जो ईमानदारी और पारदर्शिता की जो हमारी योजना है उसका एक हिस्सा है। डॉक्टर महेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए,
और उम्मीद करते हैं कि आपके कथने और करने में बिल्कुल एक समानता नजर आएगी और जो वादा था अच्छे दिनों का वो ज़रूर पूरा होता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।